बिस्मर रहीम आज बारह नबी अव्वल का मुबारक दिन है जिस दिन नबी करीम वसल्लम जो है वो दुनिया के अंदर तशरीफ लेके आए हमारे नबी जो है ना सिर्फ इस जहां के नबी हैं बल्कि दोनों जहानों के नबी हैं दोनों जहानों के नबी हैं आपको पता है कि इस्लाम से पहले जो छोटी छोटी बच्चियां थी जो बच्ची पैदा होती थी उसको जिंदा जमीन में दफन कर दिया जाता था तस्वुर करें। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रवायद को खत्म किया और बेटियों को बच्चियों को हकूक दिए आज की औरतें अपने हकूक की बात कर रही होती हैं, आजादी की बात कर रही होती हैं। भाई हकूक तो नबी करीम वसल्लम ने आज से चौदह सौ साल पहले जो है वो दे दिए थे इस्लाम ने औरतों को जो है वह हकूक दे दिए थे आज उस बाबरकत नबी की पैदाइश का दिन है और ये दिन जुम्मतुल मुबारक को आया है वो दिन जो दिनों का सरदार है उस दिन को ये दिन आया है तो प्यारे भाइयों जहां पे आप इस दिन को मना रहे हैं वहीं पे कुछ बातें मैंने आपसे करनी है कि हम उस नबी के मानने वाले हैं कि जो नबियों के भी सरदार हैं आखिरी नबी हैं आखिरी रसूल हैं वो नबी जो तमाम नबियों से अफजल है और वो उम्मत जो तमाम उम्मतों से अफजल है तो फिर हमारे ऊपर कुछ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आयद होती है कि हमने भी फिर सबसे बेहतर बन के दिखाना है अपने अखलाक के अंदर अपने मामलात के अंदर अपने माशरे के अंदर अपने घर के अंदर अपनी सोसाइटी के अंदर अपने मुल्क के अंदर हमने भी सबसे जो है वो बेहतरीन बन के दिखाना है जब उम्मत सब उम्मतों से अफजल है तो हमें भी सबसे बेहतरीन किरदार जो है वो पेश करना चाहिए और वो किरदार हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 1400 सदियां पहले जो है वो सिखा दिया उस हमने नमूना पेश करना चाहिए आज बारह रबी अवल का दिन है उसी नबी की पैदाइश का दिन है जिसने औरतों को हकूक दिए जिंदा बच्चियों को दफन कर दिया जाता था छोटी छोटी बच्चियां थी जैसी पैदाइश होती उनको कबर के अंदर जिंदा दफन कर दिया जाता तस्वूर के अंदर लेके आए तो किसने हकूक दिए इस्लाम ने हालाक दिए को, को, को आज उसी नबी की पैदाइश का दिन है और उसी नबी के अल्हम्दुलिल्लाह हम मानने वाले हैं दो अरब से ज्यादा मुसलमान दुनिया के अंदर है हमें अपने किरदार से साबित करना चाहिए कि हम उसी नबी के पैरोकार हैं, उसी नबी की बातों को मानने वाले हैं, उसी नबी को फॉलो करने वाले हैं। सोशल मीडिया पे अक्सर पोस्टें लगी होती हैं कि है आपका हीरो कौन है कोई किसी को बता रहा होता है कोई किसी को और भाई हमारे हीरो नबी करीम सल्लल्लाहु वसल्लम इसके अलावा कोई हीरो सब बाद में है सबसे पहले यह है सबसे पहले यह है बात करने का ये मकसद था कि अपने किरदार से शो करें अपने किरदार से शो करें अब मैं एक वीडियो देख रहा था सोशल मीडिया पे एक रेहड़ी वाला जो फ्रूट बेचता है वो जो है वो हेर फेर कर रहा है तोल तक कुछ है और दे तक कुछ है वो तक बेईमान है ताजर बेईमान है 95 फाइव जो ताज़र है हमारा वो बेईमान है नबी जो हमारा है वो तो तमाम नबियों से अफजल है उम्मत सब उम्मतों से अफजल है तो फिर हम बहसीत मुसलमान जो है वो सबसे अफजल क्यों नहीं हो रहे हम अपने किरदार को ठीक क्यों नहीं कर रहे क्यों मिलावट कर रहे हैं अभी जो दूध घरों के अंदर आता है इसके अंदर खुदा की कसम ऐसी ऐसी चीजें मिली होती मैं आपको बता दूं आप हैरान रह जाए पानी तो मिलता ही है चलें वो छोड़ दें वो केमिकल मिलता है कि जो सर्द खाने के अंदर लाश को महफूज करने के लिए लगाया जाता है वो दूध के अंदर मिलाया जा रहा है सरफ होता है जो सरफ जिसे कपड़े धोते हैं वो दूध के अंदर मिलाया जा रहा है पाउडर दूध के अंदर मिलाया जा रहा है हम लोगों की जानों से खेल रहे हैं और जबकि इस्लाम के अंदर आपको पता है कि एक, एक बंदे का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है ये नबी की तालीमत है और हम खुद जो है वो कत्ल कर रहे हैं उमरा करने में भी पहले लंबर पर है हज करने में दूसरे लंबर पर है फिर ये बेईमानी क्यों फिर हम ऐसा क्यों करते हैं क्या हमने कबर के अंदर नहीं जाना क्या हमारा आखिरत के ऊपर ईमान नहीं है हम दम भरते हैं नबी की मोहब्बत का और सारे काम जो है हम उलट करते हैं नबी की तालीम से क्यों भाई इसका भी अहद करें इस बार नबी अव्वल के दिन इसका भी अहद करें क्या आइंदा से हम दोबरी नहीं करेंगे चोरी नहीं करेंगे झूठ नहीं बोलेंगे ख्याल नहीं करेंगे गीबत नहीं करेंगे चुगली जो है वो नहीं करेंगे हम ऐसे कोई काम नहीं करेंगे जो इस्लाम में मना है जिन कामों से हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद ने हमें मना किया है वो हम नहीं करेंगे और जिनको करने का हुक्म दिया है वो करेंगे फजर की नमाज में एक सब मुश्किल से पूरी होती है और उस गांव के अंदर जिसकी आबादी पचास हजार आबादी है एक सफ मुश्किल से होती है ये तो वो मुसलमान थे जिन्हें देख के शर्माए यहूद यूं तो सैयद भी हो मिर्जा भी हो अफगान भी हो तुम सभी कुछ हो ये तो बताओ मुसलमान भी हो थे वो होबा तुम्हारी मगर तुम क्या हो हाथ पे हाथ धरे मंजिल फरदा हो कोई काबिल हो तो शाने के ही देते हैं ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं तो भाई हमें अपने किरदार से मुसलमान बनना है हमें अपने इखलाक से जो मुसलमान बनने की जरूरत है आज के दौर के अंदर आपको पता है कि गुरबत का बोल वाला है अगर किसी गरीब को देखें तो खुदारा उसकी मदद कर दें, उसकी मदद कर दें। इस तरह मदद करें कि एक हाथ से मदद किए तो दूसरे हाथ को पता ना चले अगर कोई आपका याद दोस्त कामयाब हो रहा है बुलंदियों पे जा रहा है तो खुदारा उसकी टांगे ना खेंचे उसकी टांगे ना खेंचे उसको सपोर्ट करें और ये मिलावट ना करें दूध के अंदर ऐसी ऐसी मिलावटें हो रही हैं मैं खुद पंजाब फूड अथॉरिटी में काम करता मुझे पता है कि किस किस्म की जो है वो मिलावट हो रही है दूध में सिर्फ दूध के अंदर मिलाया जा रहा है मुर्दों को लगाने वाला केमिकल दूध में मिलाया जा रहा है ये काम ना करो हल्दी के अंदर टाइल का बूरा मिलाया जा रहा है हल्दी के अंदर यार हल्दी को छोड़ दो गन्ने के जूस के अंदर स्क्रीन मिलाई जा रही है जो जूसी चालीस पचास रुपया के उसमें भी स्क्रीन मिला रहे हैं यार क्यों सहज से खेल रहे हो जबकि जो गैर मुस्लिम है वो ये काम नहीं करते वो मिलावट नहीं करते और हम मुसलमान हैं हजरत मोहम्मद अलैहि वसल्लम को मानने वाले हैं बजाय कि हम उनकी तालीमत पर अमल करते हैं उलट काम करते हैं और फिर जलूस के अंदर सबसे आगे भी हम ही होते हैं महफिलें भी हम सजाते हैं लेकिन इस काम में तो हम आगे हैं लेकिन जहां नबी की तालीमात की बात आए तो हम सबसे पीछे हैं क्यों भाई ये मुनाफकत क्यों क्यों है ये मुनाफकत इस तरीके का नहीं होना चाहिए बंदे को मुनाफिक नहीं होना चाहिए एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक हो एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान के हकूक होते हैं पड़ोसियों के जो है उन हकूक को पूरा करें पड़ोसियों को तंग ना करें ऊंची दीवार करने से भी मना किया गया है कि कहीं पड़ोसी की हवा ना रुक जाए अपनी दीवार भी ऊंची ना करें भाई जो सालन बने पड़ोसियों को भी दें पड़ोसियों के इतने हकूक है नबी ने फरमाया कि इतनी आयते पड़ोसियों के बारे में आई इतने अहकाम आए कि मुझे खदशा हुआ कि कहीं पड़ोसियों को जायदाद में से हिस्सा देने का हुक्म भी ना आ जाए ये पड़ोसियों के हकूक और हम सता रहे होते हैं हम तंग कर रहे होते हैं हमारी वजह से हमारा पड़ोसी जो है खुश नहीं होता तंग होता है तो फिर हम कैसे मुसलमान हैं कैसा हमारा किरदार है हम कैसे जो हैं वो शहरी हैं ये खुद देख लें कि मिलावट हद से ज्यादा करते हैं अब मिलावट जब आप करेंगे तो ये जान का मसला बनता है अब वो जो दूध में मिलावट है छोटे छोटे बच्चे पी रहे होते हैं दूध को बताएं उनका क्या बनेगा हल्दी तक में आप लोग मिलावट करें हल्दी में मिलावट गन्ने के जूस तक में मिलावट करें जो बीस तीस रुपए का गिलास होता है तो प्यारे भाइयों हमें ऐसा नहीं करना चाहिए चाहे मैं हूं चाहे आप हैं हम सबको इन चीजों से बचना चाहिए गरीबों की मदद करें और इस तरह करें एक हाथ से करें तो दूसरे को पता ना चले अब ये जो जॉब पे लोग लगे हुए हैं ये बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते उन लोगों को जो जॉब पे नहीं लगे हुए उनकी रहनुमाई नहीं करते उनको गाइड नहीं करते यकीन माने मैं क्योंकि खुद सोलह साल मैंने अकेडमी पढ़ाई है अलमेवाडमी मुझे इन चीजों का पता है उनको गाइड नहीं करते कि कहीं ये बंदा जॉब पे ना लग जाए ये तरक्की ना कर जाए उनको बल्कि जहां पे इनको मौका मिलता है उनकी लेग पुलिंग करते हैं भाई उनको सपोर्ट करें या आप ही के गांव के लोग हैं या आप ही के मोहल्ले के लोग हैं या आप ही के खानदान के लोग हैं इनको सपोर्ट करें कि अल्लाह इनका भी रिजक लगा दे इनकी भी जॉब लग जाए हमें सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि माल जो है अल्लाह की राह में देने से बढ़ता है इसी तरीके से आप नेकी करोगे जब आप अच्छा काम करोगे तो अल्लाह इसका भी सिला जो है वो बढ़ा देगा इसका भी सिला जो है वो अल्लाह पाक जो है वो बढ़ा देगा प्यारे भाइयों तो हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए लेग पुलिंग ना करें लेग पुलिंग ना करें और किसी बंदे से हसद ना करें जब आप हसद करते हैं तो यकीन माने हसद करने वाला कभी कामयाब नहीं होता अंदर ही अंदर सड़ता है आग की तरह वो दूसरे बंदे को देख के तरक्की कर रहा अपनी सेहत को भी थाव पे लगा लेता है तो हसद जो है वो नहीं करना चाहिए गिबत नहीं करनी चाहिए गिबत करना ऐसा है जैसे अपने मुर्दा भाई के गोश्त को खाना हो ये वो तालीमत है नबी पाक सल्लाम के जिन पे हमें अमल करना चाहिए पांच वक्त हमें नमाज पढ़नी चाहिए मुझे और आप सबको पढ़नी चाहिए पहला सवाल इसके बारे में होगा फिर हम कहते हैं कि हमें कामयाबी नहीं मिलती और भाई जब वो अजान की आवाज आती है, सला, है फला, आओ कामयाबी की तरफ उस वक्त तो हम सो रहे होते हैं उस वक़्त तो हम जाते नहीं तो भाई फिर कहाँ से कामयाबी मिलेगी मुझे बताएं कहाँ से कामयाबी मिलेगी क्या अल्लाह आपको बुला रहा है अल्लाह पाक आपको बुला रहा है जो तमाम अफसरों का अफसर है उस तरफ तो आप जा नहीं रहे और दफ्तर का एक अफसर बुलाए तो आप दौड़े हुए जाते हैं क्या ये मुनाफकत नहीं है ना मुनाफकत तो ये मुनाफकत कम अज अस, कम हमें नहीं करने चाहिए ये मुनाफकत जो हमें नहीं करने चाहिए अपने खिलाफ को बेहतर बनाना चाहिए और याद रखना कि जो तलवार का जख्म है वो भर सकता है पर जुबान का जो जख्म है वो नहीं भर सकता तो किसी को सख्त बोल ना बोले वो हमेशा अपने माइंड में वो बात रखता है आप आज किसी को गाली दें आप पांच साल बाद पूछ ले वो बता देगा कि इस बंदे ने मुझे गाली दी थी वो ये बातें याद रखता है भाई वो ये बातें याद रखता है और आप उसको कोई जख्म दे दें तो वो ठीक हो जाएगा एक दो माह में पर वो जो जुबान का जख्म है वो नहीं बचता तो अपने इखलाक बेहतर करें प्यार से बोलें यार अपने माइंड को मुस्बत रखें मुस्बत सोच रखें अच्छे ख़्यालात रखें भाई अच्छे ख्यालात रखें मनफी सोचें ना रखें जब आप इखलाक से बोलेंगे अच्छी सोच रखेंगे प्यार और मोहब्बत से बोलेंगे तो खुदा की कसम आपकी रिस्पेक्ट भी बढ़ेगी लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे आपके करीब आने लग जाएंगे करीब आएंगे आपसे दूर नहीं भागेंगे जब आपके आपके जो है वो बोल वो मीठे होंगे अपने बोल को मीठा करें ठीक है हम किसी की मदद नहीं कर सकते मान लिया वो यार अच्छे बोल तो बोल सकते हैं दुआ तो दे सकते हैं उसको अच्छा मशूरा तो दे सकते हैं उसको और अच्छा मशुरा देना भी सदका है बेहतरीन सदका है अच्छी राय देना ये अमानत होती है और अच्छे तरीके से गाइड करना आज के लोग जो है वो गाइड नहीं करते अगर आप उनसे गाइडनेस लेंगे तो आपको उलट बातें बता देंगे कि यार ये बंदा कामयाब ना हो जाए इस तरीके से प्यारे भाइयों नहीं होना चाहिए इस तरीके से नहीं होना चाहिए हमारे नबी वसल्लम की तालीमात हैं आज बारह रबी अव्वल का दिन है वो तालीमत यही है कि झूठ नहीं बोलना झूठ नहीं बोलना आपने कभी आपने जो है वो झूठ आपने झूठ नहीं बोलना हमेशा सच बोला मुसलमान झूठ नहीं बोलता अमानत में ख्यानत नहीं करनी अगर किसी को मशवरा देना है तो आपने अच्छा मशवरा उसको देना है बुरा मशवरा उसको नहीं देना मिलावट नहीं करना झूठ नहीं बोलना आपने पांच वक़्त की जो है वो हमने नमाज पढ़नी है मिलावट नहीं करनी ख्यात नहीं करनी हसद नहीं करनी किसी की चुगली नहीं करनी गिरत नहीं करनी ये वो तालीमत है ये नबी पाक वसल्लम की तालीमत है और बेटियों को बहनों को जायदाद में से हिस्सा देना है ये जो जहेज की रस्म है ये हिंदवाना रस्म है इस्लाम के अंदर जहेज का जहेज का तस्वुर नहीं है हिस्सा देने का है अपनी जायदाद जमीन में से और एक बात याद रखें कि जमीन में से तो हिस्सा देना ही देना है खुदा की कसम उस बेटी का हिस्सा हमारे घर के अंदर भी है ये जो घर है इसके अंदर भी हिस्सा आप जिस मर्जी मौलवी से मुफ्ती से जो है वो मशूरा कर लें तो उसको हिस्सा देना है जमीनों में से भी देना है घर के अंदर से भी देना है उसका भी उस घर पे उतना ही है जितना आपका है उसको भी हिस्सा देना है प्यारे भाइयों और जरूरतमंद की मदद करनी है करो मेहरबानी तुम अहले जमी पर खुदा मेहरबान होगा रिश्ते पर पर ठू तो यही बोल